कारी साहब पे काफी इल्जाम लगाते हैं लोग कि ये जो पार्टी है ये वोट स्प्लिट करने के लिए, वोट काटने के लिए। हमारा सारा भाईचारा वो सारा मेरे साथ खड़ा है, बाकी लोगों का तो काम ही है बातें करना। फिलहाल तो मैं शुक्रगुजार हूं अपने आवाम का, जो भी मतलब जिन लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया और जिन लोगों ने मुझे मजबूर किया कि आप डीडीसी कैंडिडेट के लिए खड़े हो जाएं। तो फिलहाल मैं अपने आवाम का, जो भी 15-16 पंचायतें हमारे इसमें आती है, तो इनका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मेरा भरपूर हौसला अफजाई, भरपूर तरीके से हौसला अफजाई की और डीडीसी इलेक्शन के लिए इन्होंने उम्मीदवार मुझे चुना यहाँ से। और मैं शुक्रगुजार करता हूँ बखारी साहब का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने जो यहाँ पे वेस्ट साइड से, भद्रवाह वेस्ट से डीडीसी कैंडिडेट मुझे चुना, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जितने भी मतलब यहाँ पे हमारे अभी मसाइल्स हैं, गरीब आवाम के बहुत से मसाइल्स हैं, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह मैं उन मसाइल्सों पर पूरा उतरूँ और उनके जो भी मसाइल्स हैं वो मैं हल करूं। मेन जो है फोकस किन, मतलब मैनिफेस्टो आपका क्या होगा, मेन फोकस किन चीज़ों पे होगा? देखें अभी तो ऐसा है कि बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि जो गरीब आवाम के लिए बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं कि जो मतलब उन तक पहुंचती नहीं है। मतलब आप मान लो कि हर डिपार्टमेंट में एक BPLs के लिए स्कीमें हैं, मतलब बहुत सारी स्कीमें हैं जो हमारी गरीब आवाम के लिए हैं और हमारी गरीब आवाम तक वो पहुँचती नहीं है। तो जो भी लोग आते हैं, वादे करते हैं, जो भी वादे मतलब वो, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी जो DDC के इलेक्शन चल रहे हैं, खुदा रहा कि किसी के वादों में ना आए, ये बहके ना। तो आप हकदार हैं, आप अपना वोट, कीमती वोट जो आपका है वो बड़े गौरव फिक्र से देख के वो अपना कीमती वोट जो है वो अपने कैंडिडेट को डाल। काफ़ी इल्ज़ाम है जब से ये पार्टी वजूद में आई है जी, अपनी जी। पार्टी तो बुखारी साहब पे काफ़ी इल्ज़ाम लगाते हैं लोग कि ये जो पार्टी है ये वोट स्प्लिट करने के लिए, वोट काटने के लिए वजूद में आई है, क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हो मेरे साथ कितनी आवाम खड़ी है। तो इंशाल्लाह मेरे साथ पूरा भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम पूरा भाईचारा है, जो भी यहाँ पे हमारा सारा भाईचारा वो सारा मेरे साथ खड़ा है, बाकी लोगों का तो काम ही है बातें करना, उन्होंने तो बातें करनी है, उनका काम है। काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा हमने सुना है कि इस तरह की बातें होती है कि वोट स्प्लिट करने के लिए कैंडिडेट्स खड़े कर रही है दूसरी पार्टीज या फिर अल्ताफ साहब की पार्टी का, क्या मैसेज क्या रहेगा उन? देखो मैं आप लोगों को ये, आप भाई अपने भाईचारों को ये बताना चाहता हूँ, जो भी हमारा भाईचारा है, 14-15 अभी पंचायत का इलेक्शन हो रहा है हमारे इस वेस्ट में हो रहा है, मैं बताना चाहूँगा किसी की बातों में ना बहके। और खुदा रहा आपसे, आज लोग आएंगे आपसे, कैंडिडेट आपके पास आएंगे और आपसे बड़े वादे करेंगे, लेकिन आप अपना कीमती वोट जो भी है किसी की बातों में ना आए, वो सोच समझ कर डालें और आपका हक बनता है कि मतलब आप अपना वोट अपने अच्छा कैंडिडेट देख के आप डाल। क्या उम्मीद है, क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं लोगों का, क्या है आपके? देखो मैं वही बात आपको बोल रहा हूँ, अभी तो बड़े मसाइल्स हैं लोगों के, जो कि यहाँ पे मतलब मान लो बिजली का जो मसला है और गरीब आवाम का, जो अभी मान लो IAY के मकाने जो हैं बहुत से ऐसे, मतलब बहुत से मसले ऐसे हैं कि हमारे जो BPL वाले लोग हैं उनके लिए आते हैं, तो मगर मसला ये है कि वो तो उन तक पहुंचने नहीं है। तो अब इंशाल्लाह मतलब हमारा जो अपनी पार्टी का जो नारा है, तो हमारा ये है कि हम गरीब आवाम तक मतलब जो भी हमारे मसाइल्स होंगे हम उनके घर घर जाके वो देख लेंगे, सारा कुछ जान लेंगे।